दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा जिले से है। वनमंडल रीवा के वन परिच्छेद सिरमौर अंतर्गत ग्राम इटबा में पिछले कई दिनों से एक जंगली जानवर गांव में मवेशी को मार रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने नाइट विजन कैमरा लगाकर पालतू जानवर को मारने वाले जंगली जानवर की पहचान प्रारंभ की। जांच में पाया कि एक तेंदुआ है जो जंगली जानवरों को मार रहा है, जिसके चलते तेंदुओं को पकड़ने का निर्णय लिया गया। उच्च अधिकारियों से परमिशन मिलने के बाद गांव में एक जगह पर केज की स्थापना की गई। बीती रात भी तेंदुए ने एक बछड़े को मारा, लेकिन वन विभाग ने उस बछड़े को वहां से हटा दिया और केज के अंदर तेंदुए के आने का इंतजार करने लगे। भूखा तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए केज में आसानी से फंस गया, जिससे दूर जंगल में ले जाकर वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ दिया, जिसके चलते सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत इटमा गांव में लोगों ने राहत की सांस ली। इस बारे में हमने डीएसओ रीवा अनुपम शर्मा से बात की, सुनिए क्या कुछ कहना है। इटमा गांव है जो जवा तहसील और हमारे सिरमौर वन परिक्षेत्र में पड़ता है। यहां पे विगत एक दो महीने से कई सारी पशु हानि की घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी। उसके बाद में ग्रामीणों के निवेदन और रेंज ऑफिसर के प्रतिवेदन के आधार पे हमने CWLW चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो भोपाल में बैठते हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी, तो उन्हें निवेदन किया था कि हमें अनुमति दी जाए कि एक जंगली जानवर जो कि मोस्ट प्रोबेबली तेंदुआ होगा, उसको पकड़ने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए हमें अनुमति दी जाए। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमें अनुमति प्रदान की गई थी कुछ दिन पूर्व ही, जिसके तारतम्य में हमने परसों शाम को एक पिंजरा लगाया था इटमा से सटे हुए जंगल के क्षेत्र में, और कल सुबह ही लगभग 5-5:30 बजे के आसपास तेंदुआ ट्रैप केज में पकड़ में आ गया था, जिसके सूचना मिलने के बाद में रेंज ऑफिसर भी और मैं भी अपनी टीम के साथ में और मुकुंदपुर से वेटरनरी डॉक्टर हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट राजेश तोमर जी, तो ये सभी वहाँ पे पहुँचे थे और उसका सबसे पहले मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण में ये देखते हैं कि उसके सभी दांत ठीक हैं नहीं हैं, उसके नाखून हैं वो ठीक हैं नहीं हैं, क्या ये वाइल्ड में छोड़ने के लिए उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा, मेडिकल परीक्षण ये होता है। और उसके बाद में फिर उनको ट्रैप केज से एक ट्रांसपोर्टेशन केज में शिफ्ट करना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ करते देखते हुए थोड़ा लगभग 10:30 तक हो गया था। उसके बाद में उसको टाइगर को ट्रांसपोर्ट केज में वहाँ से रवाना किया गया था। उम्र क्या रही होगी सर? परीक्षण के दौरान पाया गया कि जो तेंदुआ है वो एक मादा वयस्क तेंदुआ है, जिसकी उम्र लगभग 3.5 से 4 वर्ष संभावित हो सकती है, अनुमानित है ये। इससे पूर्व वन विभाग की गतिविधियां कई रही थी इटमा गांव में ही, जिससे कि ग्रामीणों को थोड़ा आश्वस्त रहें और बहुत ज़्यादा ना डरें। जैसे कि सुबह और शाम को सतत गश्तियां हमारे वन अमले द्वारा होती थी और ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया था मुनादियों और बैठकों के माध्यम से। बाकी कुछ एक बार ड्रोन के द्वारा खोज भी की गई थी, सर्विलेंस भी हुआ था और पगमार्क्स की भी ट्रैकिंग चल रही थी। हमारे नाइट विजन कैमराज भी हमने डिप्लॉय किए हुए थे, बायनोकुलर्स और कैमरा ट्रैप्स भी लगाए गए थे वहाँ पे। अपनों का घर अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर,
रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966936257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।